अजमेर नगर निगम की ओर से मदार गेट स्थित दो स्थानों पर नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम के राजस्व अधिकारी पवन कुमार मीना ने बताया कि मदार गेट पर स्थित लक्ष्मी बेकरी पर नगर निगम की टीम सीजिंग की कार्रवाई को लेकर पहुंची, जहां प्रतिष्ठान के मालिक विनोद कुमार नाथूलाल साहनी द्वारा 1,26,886 का 4 साल बकाया नगरीय कर उन्होंने चुका दिया, जिसके चलते उनकी दुकान को सीज नहीं किया गया। वहीं मदार गेट पर ही स्थित प्रकाश कांच के शोरूम पर भी टीम पहुंची, जहां मालिक सूरज प्रकाश अशोक गोयल और भंवर लाल द्वारा जल्द नगरीय विकास कर जमा कराने की बात कही गई। लेकिन विगत 4 सालों से इसी तरह से आश्वासन दिया जा रहा था और नगरीय विकास कर 1,16,109 रुपए तक पहुंच गया। ऐसे में समय नहीं देते हुए दुकान को सीज किया गया, साथ ही दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया, जिससे कि जल्द से जल्द दुकान संचालक द्वारा नगरीय विकास कर जमा कराया जा सके और उनके प्रतिष्ठान को फिर से खोला जा सके। पवन मीना ने बताया कि अजमेर के अलग अलग क्षेत्रों में 60 ऐसे प्रतिष्ठानों को चयनित किया गया है, जिनके नगरीय विकास कर लंबे समय से बाकी है। इनमें से 10 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनकी बकाया टैक्स 1 लाख से अधिक है। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है और 2 दिन का समय दिया गया है। अगर 2 दिन के भीतर टैक्स को जमा नहीं कराया जाता है तो फिर सभी स्थानों पर नगर निगम की टीम पहुंचेगी और सीजिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। नगर निगम के द्वारा आज की गई थी सीज कार्रवाई, एक दुकान को सीज किया गया है, दूसरे को छोड़ा गया है। मदार गेट के ऊपर 2 संपत्तियां थी, तो लक्ष्मी बेकरी के नाम से थी, उनका 1,15,000 रुपये काफ़ी लंबे समय से बकाया था, 1,25,000 रुपये था, तो उसको उन्होंने भी हम सीज करने के लिए गए तो हाथों उन्होंने नगद जमा कराया तो उसको तो हमने छोड़ा। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर वो 1,15,000 रुपये का जो भी नगरी विकास कर काफ़ी लंबे समय से पिछले 4 साल का बकाया चल रहा था, जो वो प्रकाश कांच वाले के नाम से दुकान है यहाँ पे, तो उसको उसका वो पैसा उन्होंने जो नगरी विकास कर का जमा नहीं कराया था, इस कारण से उसको सीज किया गया मौके पर। सर, लक्ष्मी बेकरी पर भी टीम गई थी पूरी तरह? हाँ, वो उन्होंने भी वहीं पर मौके पर तुरंत उन्होंने जमा जैसे कराया है अभी, तो इस कारण से उनको फिर उनको छोड़ा गया। जो अभी निगम की कार्य जो आई है वो आने वाले दिनों में लगातार चलेगी। हमने लगभग 60 संपत्तियों की लिस्ट बनाई है जिनको हमने नोटिस जारी कर रखे हैं और अगले 10-15 दिनों में हम आगे भी सीजिंग की कार्य जो है वो जैसे वो पूर्ण करेंगे। जिनका भी नगरीय विकास कर बकाया है उनसे हमारी यही अपील है कि वो अगले 2 दिनों के अंदर अपना नगरीय जो भी विकास कर का जो भी बकाया राशि है वो जमा करा देंगे नगर निगम के अंदर। नगर निगम के राशि कई करोड़ों में बकाया है, लेकिन हमने 60 संपत्तियों को नोटिस जारी किए हैं, यदि वे जल्दी जमा नहीं कराएंगे तो आने वाले दिनों में उनको सीज करेंगे।